बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां के हंडिया में 3 दिन पूर्व लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आने के बाद दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेडी गांव में सोलंकी और विश्वकर्मा परिवार के बीच में विवाद हुआ था। 30 अगस्त को सोलंकी परिवार की बेटी लापता हो गई। लापता परिवार के लोगों ने विश्वकर्मा परिवार पर शक जताया और घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये है कि उनकी लड़की घूम गई तो हमारे लड़के को नाम ले रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ है लड़की तो हम तुम्हारी लड़की को ले जाएंगे और हमला करा हमारे ऊपर और फिर छोरी उन डर के मारे उनने दवा ले ली हमले का डर के मारे। और जितेंद्र ठाकुर, भूरा ठाकुर, रमेश सोलंकी और तो उसका बेटा रवि और उसकी भाई भगवती बाई और उसकी जिठानी बेड़ी में दो दिन पूर्व एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें एक कोरबू समाज की लड़की गई है। उनकी ऐसी शंका थी कि प्रदीप विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति इसको ले गया है, तो उसी बात को लेकर ये सभी एकजुट होकर करीबन 7-8 लोग इकट्ठे होकर इनके घर पर गए थे, विश्वकर्मा के घर पर, जिन पर जाकर इन्होंने घर पर जाकर इनकी तोड़फोड़ की, मारपीट की, इसके तहत इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। बाकी विवेचना में है।